देखें द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, एक अलग टाइप का एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वेयर। देखना किस तरह से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला रिप्रेजेंट करता है, देख लेते हैं। अभी हमने पढ़ी थी जनरल इक्वेशन, उसी से हम देख लेते हैं इसमें। देखें इसको एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वेयर, सी इज ए कॉन्स्टेंट। ओके, कोरस्पोंडिंग इसमें देखें कोरस्पोंडिंग एसिम्प्टोट्स क्या होंगे इसके, एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो कम्बाइंड इक्वेशन। तो एसिम्प्टोट्स होंगे एसिम्प्टोट्स एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड वाई इज इक्वल टू जीरो। एक्स इज इक्वल टू जीरो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस आर द सेंटर्स। सेंटर क्या होगा इसका, सेंटर जीरो कॉमा जीरो, द सेंटर विल बी जीरो कॉमा जीरो। ओके, तो ये फॉर्म में आ जाता है आपका, ये एसिम्प्टोट्स होंगे एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वेयर। क्यों, क्योंकि ये दोनों अभी हमने किया था, ये कॉन्स्टेंट से ही डिफर करता है आपको पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस एंड हाइपरबोला इक्वेशंस। ओके, तो इसका डायग्राम बनाते हैं, देख लें इसमें। एक्स एक्स डैश वाई और वाई डैश, ये देखो ये भी आते हैं। ओके, ये एसिम्प्टोट्स हैं, ये फर्स्ट वाई इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स इज इक्वल टू जीरो आर द एसिम्प्टोट्स। तो इतना तो है, एसिम्प्टोट्स को अगर बाइसेक्ट करने वाला, ये एसिम्प्टोट्स बाइसेक्ट करता है ये एक्सिस, ये फर्स्ट ट्रांसफर एक्सिस जिस पे फोकस रहेंगे, दिस ट्रांसफर एक्सिस द बाइसेक्ट द एसिम्प्टोट्स। तो ठीक है, ये ट्रांसफर एक्सिस आ जाएगा और इसको और थोड़ा सा ध्यान देते हैं, ये कॉन्जुगेट एक्सिस आ जाएगा क्योंकि एसिम्प्टोट्स को बाइसेक्ट करने वाले एक्सिस होते हैं, बोथ एक्सिस हमारे पास मिल जाएगा। देखिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वेयर के लिए सेकेंड मेथड है, वहाँ तक पहुँचेंगे हम। फर्स्ट इसमें देखें, वी हैव एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर, दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसका डायग्राम देखें, ये वर्टेक्स है ए इज इक्वल टू ए कॉमा जीरो, ए डैश माइनस ए कॉमा जीरो। इसके एसिम्प्टोट्स देखें, फर्स्ट एसिम्प्टोट है एक्स माइनस वाई, वाई इज इक्वल टू एक्स और वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो और एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो एसिम्प्टोट्स है, ये दोनों एसिम्प्टोट्स है। देखो इसको 45 डिग्री बना रहा है एक्स एक्सिस से। ओके, सेंटर सी ओरिजिन पर है यहाँ पर, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दे गाइस, थोड़ा सा ध्यान दे इसमें, ये जो एक्सिस है इसको अगर एंटी क्लॉक वाइज क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में अगर मैं 45 डिग्री से रोटेट कर देता हूँ तो क्या होगा इसमें, ध्यान दें। ये 45 डिग्री से अगर मैं इसको रोटेट कर देता हूँ तो ये जो एक्स एक्सिस है मेरा यहाँ पर चला जाएगा। देखें एक्स एक्सिस कहाँ जाएगा, डायग्राम वैसे ही रहेगा, एक्सिस रोटेशन कर रहे हैं सिर्फ हम, ये सब पॉइंट फिक्स रहेंगे, एक्सिस ही रोटेट कर रहे हैं। तो ये एक्स एक्सिस यहाँ पर आ जाएगा, वाई एक्सिस यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अच्छे से देखें, एक्स और वाई एक्सिस यहाँ पर आ जाएगा, मतलब एसिम्प्टोट्स बन जाएंगे ये। ओके, ये ध्यान देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है थीटा इज इक्वल टू माइनस 45 से रोटेट किया। देखो स्मॉल एक्स और वाई मेथड है, स्मॉल और हैवी रोटेशन मेथड में एक्स और वाई, कैपिटल एक्स और वाई लिखा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा उसमें वैल्यू पुट कर दिया मैंने। देखें इसमें कॉस इज इक्वल टू माइनस 45, साइन माइनस 45, माइनस साइन माइनस 45, कॉस 45 माइनस 45। देखिए इसमें माइनस इक्वल टू माइनस
वन बाय रूट टू, यहाँ पर देखें वन बाय रूट टू अगेन आ जाता है, यहाँ पर क्या आएगा वन बाय रूट टू। ध्यान दें, एक रिलेशन आ रहा हमारे पास, बहुत ही अच्छे रिलेशन आ रहा, स्मॉल स्मॉल एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से एरो बनाएंगे, देखें इसमें ये इसका मल्टीप्लिकेशन और इसका मल्टीप्लिकेशन दोनों पॉजिटिव है, तो एक्स प्लस वाई रूट टू आ रहा, ठीक है, कैपिटल एक्स और वाई रूट टू। सेकेंड देखें वाई, इस एरो से देखें वाई इज इक्वल टू दिस माइनस एक्स अपॉन रूट टू है, रूट टू अपन वन अपॉन रूट टू कॉमन ले लेंगे। दूसरा देखें वाई के साथ, तो प्लस वाई, ये रिलेशन आ रहा है मेरे, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई। इतना तो जानते हैं अपन कि ओल्ड है और न्यू रोटेशन में, मतलब न्यू के रिस्पेक्ट में कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई है, ठीक है, रोटेट कर दिया मैंने। ध्यान से देखें इसमें वैल्यू पुट कर दिया, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, देखें इसमें क्या होगा, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई अपॉन रूट टू का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कैपिटल एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। बहुत ही बढ़िया रिलेशंस आ रहा है, यस, ए का मतलब है यहाँ सी ए के बीच की डिस्टेंस। ओके okay. ध्यान दें इसमें, नेक्स्ट सिंप्लीफाई करेंगे, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई का होल स्क्वायर माइनस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट टू टू ए स्क्वायर। देखिए इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, टू एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई इज इक्वल टू टू ए स्क्वायर। इस ध्यान से देखें इसमें सब कैंसिल आउट हो जाएगा, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बच रहा हमारे पास फोर एक्स वाई इज इक्वल टू टू ए स्क्वायर। एक्स वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई टू। ओके, ध्यान दें इसमें, इसको इसके साथ कंपेयर कर सकते हो, एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर से आप कंपेयर कर सकते हो ना, ये रोटेट हो गया एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर, मतलब हमने सिर्फ एक्सिस रोटेशन किया तो ये फॉर्म चेंज हो गया, मतलब आपका उसका शेप में कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये भी है, और आप उसको इस कॉन्स्टेंट को इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। देखो इसमें कॉन्स्टेंट को इसके साथ में अगर कंपेयर करते हैं तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, इसका मतलब जो ए है ए इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा टू रूट, सॉरी रूट टू सी। ध्यान देना, मतलब ए की जो वैल्यू होगी रूट टू सी, ए पे क्यों है आपको इतना स्ट्रेस दे रहा हूँ, ए मतलब सी ए वर्टेक्स से सेंटर की डिस्टेंस आ जाएगी हमारे पास, कौन से नए वाला के लिए। अब नया ऐसे अगर हम देखना चाहें तो ये तो इस तरह से, अभी थोड़ा सा रोटेशन भूल जाए, हमने रोटेशन से कर लिया था, लेकिन अभी ध्यान दे, तो ये एक्स वाई है जो कि इसी तरह से आ जाएगा रोटेशन होने के बाद भी, देखे थोड़ा सा ध्यान दे थोड़ा सा, ये मतलब इसमें जो एसिम्प्टोट्स है, ये आपको ये एक्सिस एसिम्प्टोट्स है इसमें, ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसकी स्टडी कर लेते हैं, इसमें देख लेते हैं हम क्या क्या और फाइंड कर सकते हैं इसमें, इसमें ये वर्टेक्स फाइंड कर सकते हैं ए ए डैश और फोकस फाइंड करेंगे, फोकस एस और एस डैश फाइंड करेंगे। थोड़ा सा ध्यान दें, वर्टेक्स देख लेते हैं, तो यहाँ पर मेरे पास है, इसी को मैं रिफ़र करूँगा, कैपिटल एक्स वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई टू। तो मेरे पास वर्टेक्स के लिए, क्योंकि तो मैंने इससे लिया, इसके वर्टेक्स देखें, इसके जो वर्टेक्स है उसके जगह मैंने उसको रोटेट कर दिया था, इसका जो वर्टेक्स है एक्स इज इक्वल टू ए
एंड वाई इज इक्वल टू जीरो। देखें एक्स इज इक्वल टू ए, स्मॉल एक्स इज इक्वल टू ए, वाई इज इक्वल टू जीरो वर्टेक्स है, ध्यान दें इसमें। तो इसके वर्टेक्स कैसे निकालेंगे, कैपिटल एक्स और वाई के फॉर्म में हमको फाइंड करना है, ये कैपिटल एक्स और वाई के। तो इतना ध्यान दें कि स्मॉल एक्स का रिलेशन ये है, तो यहाँ पर वैल्यू रख दें इसमें, स्मॉल एक्स इक्वल टू ए, मतलब कैपिटल एक्स प्लस वाई रूट टू इक्वल टू ए, और ध्यान दें माइनस एक्स प्लस वाई, मतलब वाई इज इक्वल टू जीरो, रूट टू इक्वल टू जीरो। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल रहा, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू वाई यहाँ पर पुट किया हमने, तो टू एक्स अपॉन रूट टू इज इक्वल टू ए फाइंड हो रहा हमारे पास, ध्यान से देख लें हमारे पास, ठीक है। तो ये रूट टू से ये कट हो गया, तो कैपिटल एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन रूट टू आ रहा है, तो कैपिटल एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन रूट टू आ रहा। और हमने क्या फाइंड किया था, थोड़ा सा ध्यान देखें, ए इज इक्वल टू रूट टू सी, तो ए की जगह रूट टू सी रख देते हैं, रूट टू सी अपॉन रूट टू दैट इज इक्वल टू सी, एंड कैपिटल वाई एक्स इज इक्वल टू वाई, तो कैपिटल वाई इज इक्वल टू सी। तो जो इसके वर्टेक्स होंगे, न्यू के जो वर्टेक्स होंगे, वो हमारे पास वर्टेक्स आ जाएंगे सी कॉमा सी, वापस से बना देंगे, ये वर्टेक्स आ जाएंगे। सेम फोकाई भी हम फाइंड कर सकते हैं, सेम फोकाई भी देख लेते हैं, देखिए इसमें विदाउट रोटेशन हमने देखा था इसमें फोकाई क्या है इसका, ये देखो एस, यहाँ पर एस डैश है, तो एस ही निकाल लेते हैं, एस के कोऑर्डिनेट ए ही कॉमा जीरो हो गए, और ये ऐसे तो फोकस दोनों फोकाई मिला के प्लस माइनस ए ही कर लेंगे, पहले ये फाइंड करते हैं। इसका मीनिंग देख लें सबसे पहले, स्मॉल एक्स इज इक्वल टू ए और स्मॉल वाई इज इक्वल टू ए, स्मॉल एक्स की जगह वैल्यू रखेंगे कैपिटल एक्स वाई, रूट टू इज इक्वल टू ए ई। थोड़ा सा ध्यान दें इसमें, ई की वैल्यू होती है रूट टू, अभी निकाला था, अगर रेक्टेंगुलर हाइपर बोला है तो ई इज इक्वल टू रूट टू, ओके ये भी वैल्यू हम रख देंगे। ये इससे देखो, इसमें वैल्यू रखेंगे एक्स माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन रूट टू इज इक्वल टू जीरो, अगेन वी गेट द एक्स इज इक्वल टू वाई, हमें क्या मिला एक्स इज इक्वल टू वाई, यहाँ पे वैल्यू रखा तो 2x अपॉन रूट टू ए रूट टू, देखें इसमें x इज इक्वल टू, ध्यान दें फोकाई आ गया, कैपिटल x इज इक्वल टू ए एंड कैपिटल y इज इक्वल टू ऑल्सो है, क्योंकि x इज इक्वल टू ए है, एंड द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू रूट टू सी, तो फोकाई आ जाएगा रूट टू सी कॉमा रूट टू सी, ओके ये फोकाई हमारे पास आ जाएगा, लेकिन एस डैश आ जाएगा माइनस रूट टू सी कॉमा माइनस रूट टू सी। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। देखें इसमें एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वेयर हाइपरबोला को थोड़ा सा समराइज करते हैं। इसमें देखिए ये डायग्राम है, ये एक्सिस 45 से एक्स एक्सिस से ये दोनों, ये ट्रांसफर एक्सिस कॉन्जुगेट एक्सिस, आप जानते हैं एसएम टोट्स एक्सिस हैं अपने, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एसएम टोट्स हैं, फिर भी आप देख लें एक बार, हमने इसकी स्टडी पहले अभी कर चुके हैं, और इसमें हमने वर्टेक्स और फोकस निकाला था, सभी वापस से आप देख लें इसको। अगर फार्मूला है हमारे पास एक्स वाई, इक्वेशन है इसकी एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वेयर, तो हम देखें इसमें, देखिए ये हमने अभी फाइंड आउट किया था वर्टाइसेस, इसको लर्न कर लेना है वर्टाइसेस सी कॉमा सी, क्योंकि फार्मूला एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वेयर है हमारे पास, तो वही सी हम लेंगे, ठीक है उसी टर्म में लेंगे थोड़ा।
देखो वर्टाइसेस है इसके सी कॉमा सी, ये देख लें ये वर्टाइसेस, ये वर्टाइसेस कोऑर्डिनेट, इधर सी है, यहाँ पर भी सी है और ये सी है, ठीक है। अब एक्चुअल में ये जो वर्टेक्स की डिस्टेंस होती है इससे, ओरिजिन से जो डिस्टेंस होती है, जनरली ए हम बोलते हैं और ये दोनों ए ए डैश बोलते हैं ना, तो ठीक है ये सी है, ये सी है, तो रूट रूट टू सी यहाँ से भी ऐसे आपको दिख जाएगा। रूट टू सी इज इक्वल टू हमारे पास कौन सी डिस्टेंस हो गई, वर्टेक्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ये सी ए आ जाती है, ऐसे तो देखना चाह, ठीक है। ट्रांसफर एक्सिस ऑन वाई इज इक्वल टू एक्स है, ध्यान दें। कॉन्जुगेट एक्सिस इज वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स है, अभी पढ़ा अपन ने, फोका ही है इसकी, सी रूट टू हमने निकाला था कॉमा सी रूट टू एक्स और वाई, क्योंकि वाई इज इक्वल टू एक्स पे। दूसरी वाली फोका ही देखें इसमें, फोकस माइनस सी रूट टू कॉमा माइनस सी रूट टू, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम थोड़ा वापस से ध्यान दें, एल एल डैश जनरली टू बी स्क्वेयर अपोन ए इज इक्वल टू बी होता है, तो जनरली टू ए आ जाएगा, टू ए टू रूट टू सी बराबर है, टू ए लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस के बराबर ही आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल देखें, ऑक्सिलरी सर्कल देखो ये वाला जो ट्रांसफर एक्सिस का एज अ डायमीटर लेके हम बना सकते हैं, ये यहाँ पर देखो ध्यान दें, थोड़ा सा ये डायमीटर ए डैश डायमीटर लिया और ये हम तैयार कर सकते हैं, ये टर्म दिस इज कॉल्ड द ऑक्सिलरी सर्कल, ये ऑक्सिलरी सर्कल देखें, इसकी रेडियस कितनी, रूट टू सी रेडियस है, रूट टू सी रेडियस है, उसका स्क्वायर किया तो टू सी स्क्वायर, तो आपको आ गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है टू सी स्क्वायर, ओके। दूसरा हमने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल, डायरेक्टर सर्कल क्या पढ़ा था हमने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए इज इक्वल टू बी है तो ये जीरो आ जाएगा, हियर इज जीरो, ओके। जीरो मतलब पॉइंट सर्कल हो जाएगा, है ना, ये देखो ऑक्सिलरी, हाँ सॉरी, डायरेक्टर सर्कल का मीनिंग क्या है कि टू परपेंडिकुलर टेंजेंट अगर ड्रा करते हैं तो उनका लोकस, तो एक्चुअल में इस सेंटर से ऑलवेज टू परपेंडिकुलर टेंजेंट इस पे ड्रा कर सकते हैं, पर सेंटर से हमेशा टू परपेंडिकुलर टेंजेंट का लोकस ही सेंटर होगा, कहीं पर मूव नहीं करेगा, ये पॉइंट सर्कल होगा, ओके, इसी से हम ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप जानते ही हो एस एम प्रूट्स एक्स इज इक्वल टू जीरो वाई इज इक्वल टू जीरो, उसमें रिमार्क देखिए, कॉन्जुगेट सर्कल ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वेयर विल बी एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस सी स्क्वेयर, ओके करेक्ट है, तो क्या बनेगा इसका कॉन्जुगेट सर्कल, इसका कहाँ जाएगा, इसका कॉन्जुगेट सर्कल यहाँ चला जाएगा आपको, ये और ये पार्ट में कॉन्जुगेट सर्कल इसका चला जाएगा, ओके। नेक्स्ट देखें नोट, इफ द एसिम्प्टोट्स ऑफ द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आर एक्स इज इक्वल टू अल्फा और वाई इज इक्वल टू बीटा देन इक्वेशन, सबसे पहले एसिम्प्टोट्स की इक्वेशंस हम बनाते हैं, एक्स माइनस अल्फा इज इक्वल टू जीरो, वाई माइनस बीटा इज इक्वल टू जीरो, कंबाइंड करते हैं उसको, ठीक है, ये कंबाइंड किया और एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, एक्स माइनस अल्फा वाई माइनस बीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर, बहुत इजीली आप इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, हमने किया भी। देखो इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पैरामेट्रिक इक्वेशन, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखो इसमें, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर, हमें यहाँ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की स्टडी कर रहे हैं, तो देखें इसमें एक्स इज इक्वल टू सी टी, एक्स इज इक्वल टू सी टी एंड वाई इज इक्वल टू सी अपॉन टी, मल्टीप्लाई किया तो एक्स वाई इज इक्वल टू सी सी स्क्वेयर आ जाता है, ठीक है, तो ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है, सी इज ए कॉन्स्टेंट और टी इज द पैरामीटर, एक्स आपको पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होंगे, मतलब एनी पॉइंट अगर आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे अज्यूम करना है तो सी टी कॉमा सी अपॉन टी इज द पैरामीटर्स, ओके।